ये क्या हुआ यहाँ पे? ये तो कोई फाइट सीन लग रहा है। और ये दोनों कहाँ हैं? ये तो आने वाले थे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। कहीं मुझे ट्रिक तो नहीं कर रहे? एनीवेज मुझे तो फुटेज चेक करना है और किसी के आने से पहले निकलना है। वाओ, इसने अटैक किया था। आई हैव टू डाउनलोड दिस और किसी के आने से पहले मुझे डिलीट भी करना है। अब सिर्फ मैं जानती हूँ कि अमृता के डैड पे किसने अटैक किया था और वो भी प्रूफ के साथ। दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन। पता चला जी यहाँ पर क्यों आई? क्या चाहती है? नो आइडिया अमृता, कुछ बता ही नहीं रही है। बट डोंट वरी, ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रह पाएगी। निकाल दूंगा मैं उसे, ओके? तुम टेंशन मत लो। क्या? वॉर अटैकर? इम्पॉसिबल, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो किसी और काम से आई थी, अपने हैवान के बारे में जानने के लिए कि रणधीर ने अंश को कहां छुपाया। बट ये तो जैकपॉट लग गया। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि रणधीर ही अटैकर है। Do you know what this means? I know what it means. इसका मतलब है कि रणधीर ने धर्मंगल पे अटैक किया, right? You idiot. इसका मतलब ये है कि रणधीर पे बुराई के सिरम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। Yes, you're right, Dee. पापा हॉस्पिटल में, अंश की अलग प्रॉब्लम, ऊपर से अब जिया के इस घर में। ऐसे लगता है भगवान सारी प्रॉब्लम्स एक साथ देकर हमारी कोई टेस्ट ले रहा है। पता है रात को जब पापा पर अटैक हुआ तो मैंने तुम्हें कितने फोन किया और तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा कहीं तुम्हें भी कुछ हो गया है, कितना घबरा गई थी। थैंक गॉड यू आर सेफ। तुम्हारे बिना तो मैं ये सब कुछ हैंडल ही नहीं कर सकती थी। तुम मेरी हिम्मत हो रणधीर। प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे, बट आई एम सॉरी अमृता, मैं तुम्हें सच बताकर और परेशान नहीं कर सकता। नहीं बता सकता कि जिया ने मुझ में बुराई का सलूशन इंजेक्ट किया और मैं पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं हूं। आई एम सो सॉरी अमृता। ना ही अंश कुछ कर पाएगा और ना ही जिया कुछ बिगाड़ पाएगी। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और एक बार धर्मंगल हॉस्पिटल से ठीक होके आ जाएंगे ना, उसके बाद हम दोनों कहीं चलेंगे हनीमून पर, किसी एक्सोटिक जगह पर, ओके? एक सेकंड, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। हेलो, यस, क्या हो रहा है वहां पर? व्हाट? मैं पहुंचती हूँ। क्या हुआ? पापा की पल्स रेट गिर रही है। ओह माय गॉड, तुम चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे नहीं, साथ। जिया घर पर है, उसे हम अकेला नहीं छोड़कर जा सकते। पता नहीं क्या करेगी। और वैसे भी अब तुम और मैं साथ हैं, हमारे बीच में कोई गलत फहमियां नहीं हो सकती, कोई फासले नहीं, कोई सीक्रेट्स नहीं, कभी नहीं। बेबी कुछ मिला? ओए बेबी, बेबी ये सब कैसे हुआ? ये किसने किया ये? बेबी सर, ये आवाज कहाँ से आ रही? रणधीर सर यहाँ पे नीचे। बेबी यार कब से चिल्ला रहा हूँ मैं इधर नीचे, किधर है आपका ध्यान? बेबी, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ तुझे? तूने अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या? मैं अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट क्यों करूंगा? हाँ सर, आपने मुझे क्या बोला बेबी? जाके लैब में सीसीटीवी फुटेज चेक कर, तो मैं फुटेज चेक कर रहा था और इतने मेरा पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मुझ पर पीछे से अटैक किया और मैं बेहोश और मुझे इंक्यूबेटर में लेके गया, उसके मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरे लैब में किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया? किसने? तूने देखा? यार आप सीरियस नहीं समझ रहे हो, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी आपकी हो गई, मेरी नहीं है। मेरी हाइट की लड़की कहाँ से मिलेगी मुझे बताओ? और एक और चीज बताओ, हाँ साइंटिस्ट हो ना, इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है? देख, ह्यूमन बॉडी ना लाखों एटम से बनती है और उन एटम्स के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत खाली स्पेस। अगर किसी ह्यूमन बॉडी से वो खाली स्पेस किसी ने हटा दी ना, तो जानते हैं क्या होगा? पूरा ह्यूमन रेस एक छोटे से मैच बॉक्स में फिट हो जाएगा। सो यू मीन किसी ने मेरे बॉडी के एटम्स के अंदर से सारा स्पेस ही गायब कर दिया, सब खत्म कर दिया और इसलिए मैं इतना छोटा हो गया? या लिसन, आई नीड माय स्पेस, मेरे को जितना स्पेस है मेरे अंदर मेरे को वापस चाहिए, ठीक है? चुप कर ना यार, कुछ नहीं होगा तुझे, हम कुछ ना कुछ सोच के तुझे वापस नॉर्मल बना देंगे। लेकिन यार एक बात तो कंफर्म हो गई है, अगर लैब में किसी ने तुझ पे अटैक किया है तो इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि हम धर्म अंकल के अटैकर तक पहुंच सके। इसका मतलब मैंने धर्म अंकल पे अटैक नहीं किया है, थैंक गॉड यार। देखो मुझे इतना ही समझ आता है, अगर अटैक आपने नहीं किया है तो दो ही लोग कर सकते हैं, अंश और जिया। देख जिया तो कुछ बोलने नहीं वाली, एक काम करते हैं अंश से जाकर सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चला क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे रहूंगा मैं? ये तो किसी के जूते के निशान है। पर ये निशान इनक्यूबेटर की तरफ जा रहे यार। ओह माय गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो मेरे जूतों के निशान है। सर कॉमन सेंस है, आपका लैब है तो आपके फुटप्रिंट्स होंगे। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे लेकिन जब मैं पिछले 12 घंटों से लैब में आया ही नहीं तो ये मेरे जूतों के निशान कैसे आए? सर आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ ठीक है, नहीं है आपके शूज के प्रिंट, किसी और के शूज के प्रिंट होंगे, आप जरूरी है क्या आपके ही होंगे? अरे लेकिन मेरे जूते कस्टमाइज होते हैं, कैन यू सी दिस आर, ये सिर्फ मेरे जूतों में होता है, आर फॉर रणधीर। सो यू मीन कि आपको आइडिया नहीं है कि आप लैब में आओ, लेकिन आप लैब में आए हो? वाह, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो बुराई का सलूशन है ना, उसका आप पे इफेक्ट हो रहा है और वो जो बुराई का सलूशन है वो आपसे एक काम करवा रहा है, आप ये करना नहीं चाहते हो लेकिन ये वो आपसे करवा रहा है। I got it. ये वो बुराई है जो ये नहीं चाहती कि मैं मतलब बेबी सीसीटीवी फुटेज चेक करूं, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा ना कि आपने धर्म अंकल पे अटैक किया, वो बुराई तो ये चाहती नहीं कि मैं चेक करूं। So that this means कि जब मैं फुटेज चेक कर रहा था आपने मुझ पे अटैक किया है। Just shut up, okay? क्या बकवास कर रहे तू? मैं क्यों अटैक करूंगा? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, समझा तू? कुछ भी बोल रहा है, चल अंश के पास चलते हैं, वही जवाब देगा। दूल्हे राजा, शादी के बाद पहले दिन मुझसे मिलना है? लगता है प्रॉब्लम जोर शोर पे है। वेलकम टू द क्लब ब्रो। तेरा और जिया का क्या प्लान है अंश? धर्म अंकल पर किसने अटैक किया? मेरा और जिया का प्लान? एक मिनट, मतलब बुराई का सिरम अपना काम कर रहा है, परफेक्ट। क्या हो गया हीरो? हमेशा तो हीरो की एंट्री मारता है, अब क्या करेगा बैड बॉय? अंश मैं जंगल कैसे पहुंचा और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अरे टेंशन मत ले, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, समझा? अभी जब मेरी तरह बुरा बन जाएगा ना, बहुत बुरा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तेरे को। पर एक सवाल है, सवाल ये है कि जब अमृता को पता चलेगा तब क्या करेगा वो, क्या करेगी? तूने अमृता से शादी करके बहुत बड़ी गलती की रणधीर, ये शादी तेरी सजा बनेगी, क्योंकि अमृता मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अंश, सीधे सीधे बता क्या प्लान है तेरा और क्या प्लान है जिया का? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं अंश, बता दे। नहीं तो क्या अंश, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं भी आज नहीं रुकूंगा, बता।
रणवीर! शिट! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! हंच! 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 ओह माय गॉड! I'm sorry. I'm really sorry, यार. भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? सुनना, तू जिया का मत साइड ले यार. तू बता ना क्या प्लान है उसका. बोलना. हंच. बोलना. डॉक्टर, पापा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? इन्हें अब तक होश आ जाना चाहिए था. ये अच्छा साइन नहीं है. लगता है केस और सीरियस होता जा रहा है. I'll get back to you. सॉरी मैडम. मैडम, हमें एक प्रूफ मिला है जिससे पता चल सकता है कि अंकल पर अटैक किसने किया. छोड़ो, क्या लगा तू मुझे टॉर्चर करता रहेगा और मैं सहता रहूंगा. रणधीर, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं. समझा? हमेशा तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस फंसाता है. बोले बोले वही जो आज तुम्हें रोकेगा. तुझे रोकने के लिए पहले सामने आना पड़ेगा. सामने आ. जिसकी बॉडी छोटी उसका भी बड़ा काम है. बेबी, मुझे नहीं लगता कि अंश को धर्मकल के अटैक के बारे में कुछ पता है. क्या ये भी हो सकता है कि ये कुछ बताना नहीं चाहता? पर अभी क्या करेंगे? अटैकर का पता कैसे लगाएंगे अभी? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पापा पर अटैक किसी फैमिली मेंबर ने किया है? यस मैडम, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, सभी लॉक्स अंदर से बंद थे. पापा पर कोई फैमिली मेंबर क्यों अटैक करेगा? ड्राइवर ही तो था और वैसे भी उम्र हो गई थी, आज नहीं तो कल तो जाना ही था उसको. बात धर्म में उसके मरने की नहीं है. फिर? इस घर में घर के अंदर अटैक हुआ है. वो अटैक तुम पे भी तो हो सकता ना. एक्सक्यूज मी, मुझ पर क्यों, तुम पर क्यों नहीं हो सकता? एक्सैक्टली, घर में अटैक हुआ है. अब पता भी नहीं है ना किसने किया, वही तो जानना है. मुझे तो लगता है रणधीर के किसी दुश्मन ने किया. कितने तो उसके दुश्मन है जी. अब तो एवरीथिंग इज सुपर इजी. अब तो हम रणधीर को उसकी वीडियो फुटेज दिखा के आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं और वो खुद बताएगा अंश यानी कि हमारा हैवान किधर है. हर चीज जो आसान दिखती है वो इतनी आसान होती नहीं. वीडियो देखने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि रणधीर उस पे यकीन करे. इस सच को बाहर निकलने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले हमें अंश को ट्रैक करना चाहिए. अंश तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है कॉलेज. घर के बाकी सारे मेंबर्स को यहां बुलाओ. बेटा, अब तुम्हारे डैड कैसे? हमने सुना उनकी तबीयत बहुत खराब है. We were so worried about him, ना? Don't worry. वो ठीक है, जल्दी वापस भी आ जाएंगे. मीशा और जिया कहाँ है? स्पेशल इनवाइट देना होगा. आई नो मीशा कि प्यार इंसान से अजीब हरकतें कराता है, बट आई थॉट यू वर स्मार्ट.
तुम रणधीर और अमृता की साइड लोगे? रियली क्या मिलेगा तुम्हें इसमें? तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। उन दोनों ने मिलकर अंश को कैद करके रखा है। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा। यू नो राइट, उसे सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। प्यार करती हूँ ना उससे। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो अंश तुम्हारा हो सकता है हमेशा के लिए। मैम, आप दोनों को अमृता मैम बुला रही है। बेटा कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे पापा धर्मपाल शर्मा पर इसी घर के किसी मेंबर ने अटैक करने की कोशिश की। अब वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है खुद से एक्सेप्ट करके सबके सामने आ जाए तो सबके लिए बेहतर होगा, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। लिसन, तुम्हारा ये जो नॉनसेंस है ना, इसमें मुझे मत इंक्लूड करना, क्योंकि जब ये अटैक हुआ था मैं इस घर में आई भी नहीं थी। तो अगर घर का कोई मेंबर है तो दूसरे लोगों से पूछताछ करो, मुझसे नहीं। अमृता, हमको पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि हम अंश और जिया की मदद कर रहे हैं, इसलिए अब तुम चाहती हो कि तुम हमसे बदला लो, राइट? आपको आपकी जगह दिखाने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घर की तलाशी ली जाएगी, एक एक रूम, एक एक कोना चेक होना चाहिए, और आप लोग सब यही रुकेंगे। ये तो हैरेसमेंट है। ये सब मैं नहीं मानता। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। एक कदम भी आगे बढ़े ना तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नॉन कोऑपरेशन के जुर्म में आई कैन अरेस्ट यू। एक मिनट, दिस इज ह्यूमिलिएशन। तुम ये नहीं कर सकती। मुझे चैलेंज कर रही हो, देखना चाहती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अमृता, यू लेट्स गो। अमृता, नो, यू कांट डू दिस। अमृता, तुम नहीं कर सकती। अमृता स्टॉप, अमृता रुक जाओ, मेरी बात नहीं सुन रही हो तुम। अमृता रुको, तुम बिना परमिशन ऐसे मेरे कमरे में एंट्री नहीं ले सकती। क्या कर रही हो तुम? अब आप चुप रहेंगी, वरना मुझे चुप कराने के भी बहुत तरीके आते हैं। अदिति, तलाशी लो। हाँ हाँ, करो करो तलाशी, इत्मीनान कर लो, कुछ नहीं है यहाँ पर। कह रही हूँ ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैडम ठीक है? मैम मुझे नहीं पता। एक मिनट, चेक करो केचप का दाग तो नहीं? एक बार चेक करो। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आई एम श्योर तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश। मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मैडम, मैट्रेस के नीचे से ये मिला। ये क्या? मैडम फॉरेंसिक के हिसाब से विक्टिम पर जो घाव है वो ऐसे ही चाकू से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। कमाल, वहां कोई है? रणधीर की खटी। देखा, मैंने कहा था ना वहां कोई था। ये देखो रणधीर की वॉच। मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। रणधीर को बीच मिलाने की जरूरत नहीं है, पर अब आपको कुछ भी बोलने की। अदिति, अरे मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे नहीं। अरे मैंने नहीं किया, ये रणधीर की वॉच है, तो मुझे क्यों लेके जा रही हो? Just listen to me, अमृता, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे डैड को मार के मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें उन्हें कहीं नहीं लेके जाने दूंगी। अमृता, ये सब क्या हो रहा है? हमें इनके कमरे में से इनके कपड़ों पर खून के निशान मिले, और एक चाकू बिल्कुल वैसे ही था जिससे पापा पर अटैक किया गया था। What? ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने शॉक क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कर रही है। अब जो कुछ कहना है कोर्ट में कहो। लेट्स गो। जिया मुझे ब्लेम कर रही थी, और एक्चुअल अटैक करने के अंदर आंटी थी। मुझे पता था मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मॉम ऐसा कैसे कर सकती? मीशा रिलैक्स, मुझे लगता है कि अटैक तुम्हारे मॉम ने नहीं रणधीर ने किया था। वो खुद बचना चाहता है, इसलिए किसी को तो फंसाना पड़ेगा। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू ब्लेम मी? तुमने देखा नहीं, नयनतारा आंटी के खिलाफ सारे सबूत मिले हैं। मिशा, एविडेंस प्लान करना बहुत आसान है। खून के दाग वाले कपड़े और एक चाकू, ये रूम में रखने के लिए कितना टाइम लगेगा? तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो ना। एक्सक्यूज मी, पर रणधीर धर्म अंकल को क्यों मारेगा?
क्योंकि मैंने इसके अंदर बुराई के सिरम इंजेक्ट कर दिया है। सच में, यू डोंट बिलीव मी। रणधीर बताओ उसे, मैं झूठ बोल रही हूँ। देखो मिशा, मुझे नहीं पता कि नयन तरह आंटी ने ये सब किया या नहीं, लेकिन तुम इससे बच के रहना। यू कांट ट्रस्ट हिम। I don't understand, ये जिया ऐसा क्यों कह रही है यार? वो भी इतने कॉन्फिडेंस से, as if कि उसने मुझे खुद देखा है। ये सब करके वो क्या करना चाहती है? वो आपके और अमृता मैम के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, ताकि मैम आपको छोड़कर अंश के पास चली जाए और अंश जिया का स्लेव बना रहे। नहीं बेबी, ये इतना सिंपल नहीं है। इस बार गेम प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तू देख ना, जिया यहाँ तक गुस्साई मेरे घर में चली आई, पता नहीं क्या प्लान कर रही है वो, लेकिन जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। पर क्या? जितना जल्दी बताएंगे ना, उतना ही दोनों के लिए आसान होगा। बताइए, मिस्टर धर्मपाल शर्मा पर अटैक क्यों किया आपने? किसके कहने पर? हमने कुछ नहीं किया। हम कितनी बार तुमसे कहे, हम क्यों करेंगे? एक बात बताओ, हमें क्या फायदा होगा? और तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जिस चीज में हमारा कोई फायदा नहीं होता, हम उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करते। हमने नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। मिसेज नयनतारा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझे। हेलो मैम, देयर इज अ गुड न्यूज, आपके डैड को होश आ गया है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मैं बस अभी पहुंचती हूँ डॉक्टर, थैंक्स। बहुत कोशिश की आपने, पर पापा को होश आ चुका है। अब वो खुद ही बता देंगे, उसके बाद आपके बोलने और मानने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। यू विल पे फॉर इट। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमारा विश्वास करो। क्या हो रही है? क्या हो रहा है? कौन 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 हो तुम? ए! कौन हो तुम? Stop it! देखो, मैं जानती हूं तुम यही कही हो, मेरे सामने आ जाओ वरना मैं। तुमने अभी किसी को देखा यहाँ पर? एक आदमी ब्लैक कोट में। नहीं अमृता, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ वो हॉस्पिटल के बिल्स भरने आया था, देखा लाइट्स नहीं है तो वहां चेक कर रहा था कोई है। पापा पर फिर से किसी ने अटैक किया। व्हाट? धर्म अंकल ठीक है? पापा ठीक है, लेकिन उसने वॉट बॉय को मार दिया। Oh my God. अमिता, शायद ये वही होगा जिसने धर्म अंकल पे ऑलरेडी अटैक किया है। पता नहीं ये वही अटैकर या उस अटैकर का कोई आदमी है जो चाहता है कि वो पापा को चुप करा दे, ताकि पापा उस इंसान को पहचान कर विटनेस ना बन सके। सुनो, ये सब हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी धर्म अंकल के पास चलते, लेट्स मेक श्योर ही इज फाइन। कम ऑन। आई जस्ट होप धर्म अंकल को होश आ जाए, वही अपने असली कातिल के बारे में बता पाएंगे। मुझे पता है, ये अटैक तुम्हारी मॉम ने नहीं, किसी और ने किया है। किसने?
मीशा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये अटैक रणधीर ने किया है। पागल नहीं हूं मैं, मेरे पास प्रूफ भी है। What? सीरियस। Oh my God! Shanti! तुम चलो, मैं आती हूँ। सारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी लगा दो। सबकी चेकिंग होनी चाहिए। वो जो भी अटैकर था, उसे हमें किसी भी हाल में ढूंढना है। रिलैक्स, अटैकर चला गया है। आपको कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मैं बात करता हूँ एक बार। श्योर। अंकल, आई एम सो सॉरी। जो कुछ आपके साथ हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अंकल, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरी फोर्स आ चुकी है, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया हमने। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू अंकल, हम उस अटैकर को आइडेंटिफाई कर देंगे। आई प्रॉमिस अंकल। मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब? मैंने आपको बचपन से संभाला है। मुझे नहीं मालूम आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं मुझे, नहीं मालूम। लेकिन मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। लिसन जिया, मुझे कुछ भी करके मॉम को जेल से बाहर निकालना है। प्लीज मुझे प्रूफ दे दो। ऑफ कोर्स, तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है और मुझे अंश को। तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे पता है कि अंश कहाँ है, लेकिन मैं उसे बचाना नहीं चाहती। उसने मुझ पर चीट किया है। एंड यू आर आल्सो लाइक दैट। क्या श्योरिटी है कि ये वीडियो असली है? आई डोंट ट्रस्ट यू। मैं तुम्हें अंश तक नहीं पहुंचाऊंगी। स्टॉप द कार। क्या हुआ दी? आई सेड स्टॉप द कार। आप क्या बोल रहे हो? मैं क्यों मारूंगा आपको? अंकल, आप मेरी बात सुनो। आपको किसी ने धमकी दी है? किसी ने आपको ब्लैकमेल किया कि आपको ऐसा बोलना है? अगर ऐसा है तो प्लीज टेल मी अंकल। देखो बेटा, मेरे पास इस दुनिया में अमृता के अलावा और कोई नहीं है, और अब तो उसको भी मैं आपके हवाले कर चुका हूँ। झूठ थोड़ी बोलूंगा। पता नहीं अचानक आपको क्या हुआ और आपने मुझ पर हमला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। सच्चाई तो यही है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दी, दी हुआ क्या? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। What do you mean? I will show you what I mean. Please, please stop it. अभी पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं, please, please don't do this. दी, please. दी, I request you. धर्म अंकल, 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 डॉक्टर, अमृता, रणधीर। डॉक्टर देखिए ना, पता नहीं इनको क्या हो गया। पापा, अमृता, 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 इट्स ओके, लेट हिम चेक। क्या हुआ? पापा शॉक में चले गए अचानक से। मैं बात कर रहा था, नम हो गए। All okay? Vitals seem fine, but no response. I think ये कोमा में चले गए हैं। क्या? Please stop it. Release, release.
अमृता, लिसन, अगर तुम ऐसे वीक पड़ जाओगी तो अंकल कैसे फाइट करेंगे? हाँ पापा, क्यों पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा है रणधीर? ये जो भी अटैकर है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चाहे कुछ भी कर लो रणधीर, तुम्हें शैतान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ये सब बुराई के सोल्यूशन की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन इसका इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, कहीं आपने धर्म कर पे अटैक। मैंने आपको बचपन से संभाला है, मुझे नहीं मालूम आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं मुझे। एक्सक्यूज मी अमृता जी। यस डॉक्टर। क्यों मारना चाहते हैं मुझे, नहीं बोलू, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। कहीं वो बुराई का सलूशन तो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, कहीं उसके उसकी वजह से तो मैं ये सब नहीं कर रहा, इसलिए ये ब्लैकआउट्स, और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं रहता। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे कैसे भी सच का पता लगाना पड़ेगा, कैसे भी। जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं उनको कैसे हर्ट कर सकता हूँ? हेलो हेलो सर, बेबी बेबी बोल रहा हूँ। हाँ सर, सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मीशा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम मुझे अंश तक लेके जा रही हो जी, प्लीज। नहीं तो मेरा हैवान तुम्हें खत्म कर देगा। दी प्लीज लिसन टू मी दी, वो नाजुक सी है, वो सह नहीं पाएगी इतना दर्द। प्लीज दी स्टॉप इट, आई रिक्वेस्ट यू दी प्लीज। Just shut your mouth. तो बताओ मीशा, क्या डिसाइड किया तुमने? तुम मुझे अंश तक लेके जा रही हो या फिर? बता रही हूँ। बता दियो अंश का। Oh shit! मैं उस चिया को अंश तक नहीं पहुँचने दूँगा, नहीं पहुँचने दूँगा। You okay now? Do you need water? Pani. Pani. Huh. Randhir, ये अचानक कहाँ चला गया? अंश को यही रखा। कैसे लोग हैं यार, चलना भी नहीं आता इनको। सर यार प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं कैसे करूंगा यार। अरे यार क्या है? चेतन स्टॉप, यहाँ बहुत एडवांस सिक्योरिटी लॉक्स होंगे, सब मेन सर्वर से कनेक्टेड है, हमें मेन कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अंश को कुछ होगा तो नहीं ना? होगा, बट ही विल बी फाइन। दी, हो गया। अंश, अंश, दी, ये क्या हुआ? रणधीर, अरे
बच गया। ये है, ये अंश है, ये सिर्फ एक 3D प्रोजेक्शन इमेज है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे झूठ कहा। अंश कहाँ है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मुझे यही लोकेशन पता थी। ओके, अगर दुश्मन फास्ट है तो खुद भी फास्ट एंड फ्यूरियस बनना पड़ता है। क्या जिया, तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम मेरे सामने अंश को निकाल लोगी? तुम ना मुझसे जीतने के सपने देखना बंद कर दो। जीतने का सपना? डार्लिंग, मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं ना, मैंने मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं सोच रही हूँ वो अमृता को दिखा ही दूँ। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? जस्ट वेट एंड वॉच। ये किस वीडियो की बात कर रही थी? तुमने जो धर्म अंकल पे अटैक किया था वो उसी वीडियो की बात कर रही है। What? Listen, I know वो वीडियो नकली है, लेकिन वो उसी की बात कर रही है। हो सकते नहीं, वीडियो नकली है, नकली। तुम्हें क्या हुआ है? पूछो मत यार मीशा दी। बट ऐसे कैसे? मीशा दी वो जिया है ना। पता नहीं अचानक आपको क्या हुआ और आपने मुझ पर हमला। ऐसा नहीं हो सकता। सच्चाई तो यही है। लिसन, मुझे पता है मॉमी अटैक नहीं कर सकती है और रणधीर भी नहीं कर सकता है। फिर ये अटैक किया किसने? और जिया हमारे घर में क्यों आई है यार? वो चाहती क्या है? रणधीर सर कहाँ गए? फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आई, पता चला उस चाकू पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं है मैडम, लेकिन एक घंटे में आ जाएगी। अदिति, बी वेरी अलर्ट। वो जो भी अटैकर था वो दोबारा कोशिश करेगा यहाँ पर आकर अटैक करने की। सिक्योरिटी एकदम टाइट रखो। यस मैडम। अमृता यही कही होनी चाहिए। अमृता, तुम ठीक हो ना? आर यू फाइन? ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे? नहीं बस ऐसी। ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? वो हर्षली बेबी का कॉल आया था। वो बता रहा था कि जिया अंश को निकालने की कोशिश कर रही थी। और तो फिर आप? कुछ नहीं, वो निकाल नहीं पाए। मैं एंड मोमेंट में वहाँ पहुँच गया था, रोक लिया मैंने उसे। मुझे लगा अगर वो वहाँ पहुँच सकती है तो वो यहाँ भी आ सकती है। वो आई थी क्या यार? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अमृता, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल। ओके, जिया बहुत डेंजरस है, तुम प्लीज ध्यान रखो। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, और मुझसे ना उलझे ना, वही उसके लिए बेहतर होगा। जिया की वीडियो में चाहे कुछ भी हो, वो मेरे और अमृता के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर सकती। वो हमें कभी अलग नहीं कर सकती। अब ये लो खाना। नहीं प्लीज, मैं नहीं खा सकती रणधीर। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, देखो चेहरा भी कैसे उतर के। थोड़ा सा खा लो प्लीज। मुझे भूख नहीं है रणधीर, प्लीज। खाना नहीं खाओगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी? और ताकत नहीं होगी तो इन सारी चीजों से लड़ोगी कैसे? थोड़ा सा खा लो प्लीज मेरे लिए। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईया। और नहीं खा सकती। वाओ, वाइट फेदर,
जानती है उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं? जिस इंसान को ये वाइट फायदा मिलता है ना, उसके साथ फरिश्ते होते हैं, हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। ख्याल ऐसे? सुनो, कभी कभी ये जो दिखाई देता है ना, वैसा नहीं होता। और भगवान भी उन्हीं लोगों को मुश्किलों में डालते हैं जो मुश्किलों से बाहर निकलने का स्ट्रेंथ रखते हैं। देखो, वक्त हमेशा सेम नहीं रहता। बुरा वक्त आता है तो फिर अच्छा वक्त भी आता है। और ये वाइट फेदर है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी रखवाली करने के लिए, इट्स ओके। ये लो। मेरे लिए मेरे फरिश्ते तो तुम हो। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम कुछ गलत होने ही नहीं दोगे। पता नहीं अचानक आपको क्या हुआ और आपने मुझ पर हमला। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं सोच रही हूँ वो अमृता को दिखाई दे। अरे अचानक क्या हो गया? अच्छा ऊपर देखो, खांसी हो रही है। शुड बी फाइन। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पानी पी कर रहा था। मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है रणधीर। मैं उसे बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। एक बार अमृता ये वीडियो देख ले, बस उसका सारा ईगो अपने आप फ्लश आउट हो जाएगा और उसी के साथ साथ उनकी लव स्टोरी भी। काफी वक्त लग गया रणधीर को, देख कर आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आई थी, बट इसने मुझे आने नहीं दिया। रणधीर जस्ट अटैक्ड। ओह जस्ट शट अप, यू शट अप एंड लिसन टू मी। मुझे पता है तुम्हारे डैड पे किसने अटैक किया है।